हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सिनेमैटिक व्लॉग। नहा धो के रेडी होके सनस्क्रीन लगा के मैं आ चुका हूँ नीचे। सेटिंग हमें उठ चुकी है, कार्तिक भी उठ चुका है, दिव्या कीचू स्टिल स्लीपिंग, और मैं आ चुका हूँ नीचे अब चाय बनाने। जब तक वो लोग उठते हैं तब हम लोग चाय पी लेंगे। सुबह सुबह हमने होटल के स्टाफ से बोला कि यार प्लीज़ चाय की छन्नी अरेंज करा दो, क्योंकि कल हमने जुगाड़ तो कर लिया था लेकिन फिर भी छन्नी का अपना मज़ा है। लजीज ब्रेड टोस्ट बन रहा है फ्रॉम राहुल्स किचन। गुड मॉर्निंग बंटी भैया। बंटी का साबुन स्लो नहीं है, बहुत तेज वाला। तो उठता ही सीधा पूल में। वो खींचू का स्वैग नीचे बुला रहे हैं, कह रहे नो आई एम लाइंग डाउन हियर। जमीन पे लटका शायद फर्स्ट, ठंडा लग रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है। खींचू एंजॉइंग दिस, मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा, रिद्धा दीदी आ रही है आपको बुलाने। देखो भाई कीचू। उसके बाद देखी कीचू की थोड़ी बहुत मस्ती कीचू, जैसे कि आप देख सकते हैं। कम लेट्स गो टू द बीच। ओके कभी कभी आते हैं उठ के सुबह सुबह खुद से बोलता है मामा आई स्लेप्ट वेल। कीचू वेयर आर वी गोइंग? लेट्स गो, आर यू रेडी फॉर द बीच? Yeah. You will have fun. Yeah. You, Mamu, and Rida will go inside the sea, inside the water. और फिर हम लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। कीचू रेडी हो चुका है बीच के लिए। रिदा भी रेडी हो चुकी है। सेट बीच रेडी। ओके अभी जाते हैं। गर्मी लग रही है आपको? Yeah. Let's go. Hello. पैटर्न लाइटिंग की वैसे वैसे है नहीं। हाँ। लाइटिंग खराब नहीं। लाइटिंग खराब होती है। चलो जी। या पीछे पोर्ट नहीं है। चलो जी निकला जाए। मैं ना तेरे को बस बता दिया कि बस तेरे को ना यू नो व्हाट। गाइस हाउ आर यू? वी आर गोइंग टू द बीच आश्रम। जोश जोश में गाड़ी में बैठ तो गए कि आज दूर किसी अच्छे से बीच पे जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में आके समझ में आया कि ये तो कुछ ज़्यादा ही दूर है और अब थकान सी हो रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कीचू, वो बारी बारी से सबकी गोदी में बैठ रहा था और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। और बीच में फिर एक छोटी सी हमको शॉप दिखी जहाँ पे रुक के हमने नारियल पानी पिया। नारियल पानी। और वो ब्रेक बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि नारियल पानी मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है और यूके में आप जानते हैं कि फ्रेश नारियल पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, स्पेशली जिस क्वालिटी का यहाँ मिलता है उस क्वालिटी का। और ये मलाई खाकर तो आनंद ही आ गया भैया। मलाई और फिर चल दिए वापस अपने ट्रिप पे।
And now give me a hug. Welcome. Thank you, Mama. Welcome. Thank you, Kartik Chachu. Okay. Now I'm going to take you to one of the finest beaches of Goa. Okay? कौन सा है वो? बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत एंड अमेजिंग बीच जो कि है आश्रम बीच। जैसे ही हम पहुंचे वो मंजर बहुत ही खूबसूरत था, आप देख सकते हैं। और फिर हम बस बीच पे जा ही रहे थे कि हमें लगा कि यार पहले पेट पूजा हो जाए, तो हम जाके बैठ गए रेस्टोरेंट में। लेकिन बच्चे, तो आप जानते हैं बच्चे मन के सच्चे, उनको थी एक्साइटमेंट कि भैया पानी में जाना है, तो सिमर भाभी बच्चों को लेके चली गई खेलने के लिए और हम लोगों ने कर दिया खाना ऑर्डर, तो अपना टेबल शिफ्ट कराया नीचे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि कीचू इतना ज़्यादा एंजॉय करेगा, क्योंकि जनरली जब हम यूके में उसको बीच पे लेके जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करता। जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ का पानी भी काफ़ी ठंडा होता है इवन समर्स में, बट यहाँ का पानी था गुनगुना एकदम वार्म, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया खेलने में। और हमने भी ज़्यादा रोक टोक नहीं की कि मिट्टी लग रही है, गंदे हो रहे हो, ये हो रहा है, वो रहा है। वाटर सेशन चल रहा है सबका। Like it? Sure. I like it. Kichu, come here. The fall is coming. I can feel it. Breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Fit. Pack your toys, we are going. Bye. मेरा पानी में जाने का मन नहीं था, तो मैं दूर से सबको बैठ के देख रहा था, लेकिन कीचू की एक्साइटमेंट देख के मेरा मन हुआ कि मैं पास जाऊं और उसको विटनेस करूं। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज वर्थ इट। Did you hold my hand? बहुत टाइम के बाद इतने मज़े करे हैं, सारे लोग अभी पीछे ही हैं, मैं जा रहा हूँ बैग्स के पास क्योंकि किसी को बैग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी देर तक हम पानी में खेले, उसके बाद फिर से भूख लग गई थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा खाना हम कहीं और जाके खाएंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर देते हैं। तो जब तक कीचू का कुछ खाना आ रहा था तब तक म्यूज़िक सुन के कीचू तो डांस करने लग गया। उसका डांस मैंने बहुत देर तक देखा और मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा वीडियो के लिए भी कैप्चर कर लेता हूँ। उसके बाद हम गए बाहर, और बाहर जैसे आप जानते हैं गोवा में बाहर निकलते ही शॉप्स होती हैं स्ट्रीट पे, तो वहाँ पे दिव्या ने कुछ ट्राई किया और लेकिन उसका साइज़ उसको मिला नहीं। और वापसी के रास्ते पे हम रुके हरमन चाय वाला पे, जहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त चाय, और उससे भी बेहतरीन चीज़ थी वहाँ के जो एक केक थे छोटे छोटे, कम से कम 4-5 तो मैं अकेला ही खा गया।
उसके बाद वापसी के रास्ते पे हमने देखा एक बंदे का जबरदस्त स्वैग। आपने कभी बिल्ली को देखा शेर को डराते हुए, लेकिन शेर डर भी जाए? नहीं ना, आज देखने को मिलेगा आपको। ये देखो, ये बंदा खड़ा रहा अपनी स्कूटी लेके बीच में, और उस गाड़ी में 5 बंदे बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई गाड़ी से निकलने की, और फाइनली उन्होंने गाड़ी रिवर्स करी। और ये देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एनीवे, उसके बाद हम पहुंचे डिनर करने के लिए एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां जाते हुए कीचू की पार की नजर ने स्पॉट कर लिया एक छोटी सी दुकान में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर, और वो सीधा दुकान के अंदर घुस गया। भाई हेलीकॉप्टर खुलवा दिया और हम तो खरीदने को तैयार थे, लेकिन जब वो चेक किया तो पता लगा वो चल ही नहीं रहा है। उसके बाद भाई उसको बड़ी मुश्किल से हम लेके गए रेस्टोरेंट में, वहां इंजॉय किया, खाया पिया, लेकिन कीचू भूला नहीं था। हमने उसको प्रॉमिस किया कि हम हेलीकॉप्टर लेके देंगे, तो वो दूसरी शॉप में गया, वहाँ जाके उसने दूसरा खिलौना पसंद किया और फिर फाइनली वो खरीदा। ये था बहुत ही एक्साइटिंग सा दिन, लेकिन कल का दिन इससे भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू टुमारो।